को खुशामदीद कहते हैं। दुरानी साहब, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पर तवज्जो ना दी, वहाँ के लोगों का जो एहसास है महरूमी है जिसका तस्कर वो ब्रेक हो जाने से पहले उसको दूर करने की कोशिश ना की गई, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाए तकमील तक पहुँच पाएगा? देखिए, अगर अमेरिका में बैठ करके IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वो ओके किया और ये फंडिंग उनके थ्रू चाइनीज़ जो है ना, चाइनीज़ बीजिंग बैंक जो कि IMF वालों का, वर्ल्ड बैंक वालों का एक हिस्सेदार है, मेन नाम है अभी ताज़ा, अगर उसके थ्रू ये फंडिंग आ रहा है तो यस हो जाएगा। अगर बीजिंग ने वाशिंगटन के थ्रू नहीं लिया हुआ है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुस्तकबिल के सीन को, इस मैदानी जंग को और होती और हूसी कबाइल के बीच के मामलों को और अपने अंदर देख रहा हूँ, उसके मुताबिक आपको कह रहा हूँ। अगर ऐसे ऐसे पॉलिटिकल आपसे विजन दिया जाएगा और मिशन दिया जाएगा और वहाँ पर लड़ाई होगी। देखिए, कुछ चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, अल्लाह उससे बचाए। ठीक है, क्या पाकिस्तान आर्मी ने इस दफ़ा बहुत बड़ी कोशिश की इंटरनेशनल इस लड़ाई में अपने को एक तरफ रखा, जिसका इम्पैक्ट आपके बलूचिस्तान पर लाइव नज़र आ रहा था, लाइव नज़र आ रहा था। जैसे आप उस तरफ जा रहे थे ना, दुरानी साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? अगर इस इंटरनेशनल गेम का जो समंदर में अभी होने जा रहा है, जिसकी रुकावट हो चुकी है थोड़ी देर के लिए, आपने नेवी अपना नहीं भेजा और आपने अच्छा किया कि किसी नेवी पोजीशन को वहाँ पर आपने नहीं संभाला, अभी इस हफ्ता 10 दिन की जंग में ये आपने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की, जिसकी वजह से आपका अपना बंदरगाह बम ज़मीन के बच गए फिल वक्त। लाजिम है कि किसी एक ग्रुप के साथ अगर हम चले जाते तो हमारी बंदरगाह ना बचती। एक चीज मैं आपको, जंग जंग होती है भैया, आपका बंदर, आप जाते तो आपका, आप तो किसी और के किश्ती को रास्ते से रोकने की कोशिश करेंगे, वो कौम भी आपके हाथ को रोकेगा। किश्तियां रोकने की लड़ाई मत करो, मुआहदा मत करो। मैं किसी का, किसी कौम के किश्ती को रोकने का इख्तियार मुझे नहीं होना चाहिए और ना है, और ना मैं रख सकता हूँ, ना मैं, मुझे कैपेसिटी भी नहीं है। मैं अपने अपने किश्ती चप्पू को देखे संभाला हूँ बड़े मुश्किल से। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, हमें ये नहीं कहना कि चाइना को हमने दे दिया, ना हमने चाइना को नहीं दिया। चाइना वहाँ पर बिजनेस करने के लिए आएगा तो आ जाए, दुनिया की तमाम कौमों को अगर मैंने इजाज़त दिया, सिर्फ चाइनीज पर तकिया नहीं है। नो, अगर बलूचिस्तान में ग्वादर है, उसमें उज़्बक है, उसमें ताजिक है, उसमें रूस है, उसमें जापान है, उसमें मलेशिया है, उसमें दुनिया के अफ्रीकन कौम, जो भी दुनिया का फ्लाई एक बंदरगाह में बनाऊँ फिक्स, किसी कौम के लिए इस बंदरगाह को फौजी बंदरगाह या फिक्स बंदरगाह किसी के लिए नहीं बनाऊँगा। ये पाकिस्तान की बंदरगाहें किसी के लिए अजारादारी पर नहीं है, ये दुनिया के कारोबार के लिए, हमने दुनिया के साथ कारोबार करना है तो ये दुनिया के फलाही कारोबारी बंदरगाहें हैं। इसमें दुनिया का कोई भी मुल्क आकर के करे, हमारे पास 80 बर्थ हैं, 80 बर्थ में से 10 जो है ना कोई भी मुल्क आकर के गए। आप क्यों इस बात को हम ले करके दुनिया को कहते हैं कि जी चीन ने आकर के बना दिया? चीन का और अमरीका का सर जंग है, चीन और रूस और कम्युनिस्टों का जो है सर जंग चल रहा था। हमें दुनिया को ये नहीं देना है, हमारे लिए ओपन है, बाजार है, अगर कोई आना चाहता है, ये हमारी शरायत है कि हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, फौजी और इंटेलिजेंस मामलात को नहीं चलाएगा, इधर एज ए बिजनेस आ जाएगा, हम इसको उसी तरह वेलकम करेंगे। हम तो क्यों अपने को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान को मैदान जंग बना देगा? मैं इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं कहता हूँ, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है बस। अभी तक तो देखो, ज्यादा जोर किसी पर मत दे दो कि आप नक्शे पे अपनी तब्दीली मत चाहो, ऐसी चीजें मत करो कि जो चाइना मेमन है, मेमन कारोबारी है, मेमन जंगी नहीं है, वो आपके हकूक के लिए जंग नहीं करेगा। उसको पता है कि मैं चाइना आपके लिए हथियार नहीं उठाएगा, हथियार देगा आपको, हथियार उठाएगा नहीं आपके लिए, वो आपके लिए जंग नहीं लड़ेगा किसी सूरत में भी। चाइना को अपनी जंग के पूछे, वो इसका आपके रुपए से ज़्यादा वो इस वक्त वाशिंगटन और अमरीका में उसके सरमाया है। वाशिंगटन का ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया ईसाइयों का वहाँ पर लगा हुआ है, यहूदियों का वहाँ पर लगा हुआ है, बुद्धा के इलाके में। वो आपके पास न मजहबी तौर पर है, आप थोड़ा सा शिंक्यान में करके देखो, आपका इस्लाम का बेड़ा गर्क नहीं करेगा, चाइना छोड़ेगा आपको। ये फिक्स मत करो किसी कौम के साथ, ये कारोबारी है, आज आया हुआ है, 10 साल के लिए काम करेगा, 20 साल के लिए करेगा, सदियों के लिए करेगा। रास्ता मैं खुद बना रहा हूँ, खुद दे रहा हूँ। मैं क्यों किसी को कहूँ कि ये तुम मेरे लिए बना रहे हो? नो, अगर कोई मेरे लिए बना रहे, कोरिया ने जैसे मोटरवे बनाया, कोरिया का नहीं है, मैंने उसका पेमेंट किया, पेमेंट करके दे देंगे इसको। ये फिक्स मत करो किसी कौम के साथ, ये ग्वादर किसी के लिए नहीं है। तो जिन, आपने बैठ करके, आपने बैठ करके ये वादे साइन किए हैं, कोई भी करे, ये बेहतर नहीं है पाकिस्तान? अरे बाबा, पिछले साल भी मियां साहब बैठे हुए, पिछले साल भी गर्मियों से पहले गड्डानी में हब चौकी पर 6000 मेगावाट का बिजली घर जो है ना, इसी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया कोयले वाला, वो किधर गया? वो हवा में चला गया ना, वो किधर गया? चाइना, चाइना ने इफ्तिताह किया था, गडानी में किया था, वजीर आजम ने किया था, डॉक्टर मालिक ने किया था, वो किधर गया? बलोच ऐसे ड्रामों से जो ना तंग आ चुका है,
आप भी इन ड्रामों से तंग आएंगे। अगर मैं कह दूं और ना हो जाए, डैम मेरे लिए भी नहीं है। ये ना देखो, ऐसे टोपियां जो है ना घुमाया करो, ऐसे टोपियों से घुमाने से और नुकसान पूरी दुनिया के सामने हो। सबीन महमूद के कत्ल के बाद बलूचिस्तान हाईलाइट हुआ, या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट के बाद समीर महमूद का कत्ल हुआ और आईएसए पर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई और इस अंदाज से बलूचिस्तान को हाईलाइट किया गया कि यहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है। देखिए, कुछ चीज़ों को कबल अज़ वक्त जब अदालत या कोई चीज़ सामने ना आ जाए, प्रोडक्शन के साथ मैं कम अज़ कम बयान नहीं कर सकता। देखिए, जब आपने चीन को कहा कि आप ग्वादर आ जाए, और रूस को आपने कहा था कि आप पाकिस्तान की तरफ निगाह भी नहीं करना ग्वादर के लिए, और अमेरिकन्स ने और बाकी इंटरनेशनल दुनिया के अगर आप तारीख को देखेंगे तो तारीखी पस मंज़र में बहुत सारे इलाके बहुत सारे बड़े बड़े बैंकर्स की नज़र में होते हैं, और बैंकर्स का और ये तो टैंकर है ना, दुनिया का टैंकर माफिया, इंटरनेशनल टैंकर माफिया, उसके रूट भी यही बनता है। अब आप इसमें से सरजमीनों की तरफ देखते हैं और अपने जहन में हमेशा फिक्स कर लेते हैं कि जी इसके बाद दुनिया इस तरह नहीं हो जाएगी, बस एक दफ़ा फिक्स हो गया है। भाई, जंग अजीम अव्वल के बाद दुनिया की पोजीशन चेंज हो गई, फिर जंग अजीम दोयम के बाद दुनिया की पोजीशन चेंज हो गई, अब जंग अजीम सोयम के बाद दुनिया की पोजीशन चेंज हो जाएगी ना। जंगे तो होंगी, ये देखते हैं नेचर ने, अगर मैंने नहीं किया तो नेचर ने किसी हवाले से तो करना है इसको। अगर चाइना ग्वादर में आएगा और वाशिंगटन के पूछे बगैर, वाशिंगटन के सरमायेदारों के पूछे बगैर आएगा, तो ग्वादर के बंदरगाह पर जो किश्तियाँ हैं मगरबी हवाओं के दबाव में रहेंगी, ईरानी हवाओं के दबाव में रहेंगी, अरबों के दुबई के हवाओं के दबाव में रहेंगी। अगर इन हवाओं के दबाव को पाकिस्तान एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने इलाके से वैसे भी बड़ी मुद्दत से दस्तबरदार होकर के बैठा होता है, किसी और को कहता है कि मेरे पास आ जाना, ये कैपेसिटी जो है ना पाकिस्तान ने खुद, हमने, मैंने अपने मुल्क में ये बुरान खुद पैदा किया है। 5 अरब रुपये का एक जेटी चाइनीज बना करके पेश कर सकते हैं मुझे, और मैं अपने मुल्क के अरबों खरबों रुपए रोज़ाना यहाँ से डिरेल करके बाहर लूट करके ले जाता हूँ, मैं उसमें से एक भी नहीं बना सकता। एटमी मुल्क अपने को दुनिया के सामने पेश करने को तैयार हूँ, पर 10 रुपए का जेटी पंजाब अपने लिए एक जेटी नहीं बना सकता, सिंध अपने लिए एक जेटी नहीं बना सकता, बलूचिस्तान के फंड का खाना खराब हो चुका है, 0-0 हो गया, कहीं नज़र नहीं आता, चाहे मेरे दौर में हो सत्यानाश है, आपके दौर में हो सत्यानाश है, इसका फौजियों का लूट कसूट के इस दौर हो सत्यानाश है, एक जेटी नहीं बना सकते। हम कहते हैं कि हम आबदोज बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, हम ये किश्तियाँ बना सकते हैं। भाई, आप एक जेटी अपने लिए जो सिर्फ आपने ला करके लगाना है दुनिया के एक्सपर्ट के थ्रू, आपने खुद नहीं किया। ये जो इस वक्त एक पाकिस्तान का जो बजट, मैं कहता हूँ पाकिस्तान अपने बजट से अपने मुल्क में स्ट्रक्चर अपना खुद खड़ा कर दे, इस पैसों पर अमरीकन नहीं छोड़ेंगे इसको। यस, बलूचिस्तान में दबाव जो है ना 2-4 मुल्कों का भी है, ईरान के दबाव से आप नहीं निकल सकते, किसी भी सूरत में बलूचिस्तान नहीं निकल सकता। अब देखो, आप मुझे तारीख के हवाले से देखेंगे, मुस्तकबिल के हवाले से देखेंगे, अरब के दबाव से किसी सूरत में भी नहीं निकल सकता, चाहे सऊदी अरब उधर बैठा हो कि दुबई में बैठा हो कि ईरान इधर बैठा हो, इंडिया के दबाव से, दो चीज़ों के वहाँ पर पॉलिटिकल सैंडविचेस हो रहे हैं, हमें उसको देखना है। कैसे, हमारा एजेंसी, फ़र्ज़ कीजिए ISI का अपना नाम लेते हैं, ISI इस वक्त 50-56 मुल्क जो नेटो के हैं, बलूचिस्तान से गुजरते हैं, उधर ही उनकी मूवमेंट है ना अफगानिस्तान में, वो उनके साथ मुकाबला RI पर है। जब तक आप अपने पाकिस्तान के बुनियादी सियासी नुक्ते नजर में तब्दीली नहीं लाओगे, आपके एजेंसियां दबाव का शिकार होंगी। और ये काम वफाकी हुकूमत का है। देखिए, वफाक के तमाम सियासी अदारे जितने भी हैं, चाहे वो फौजी की शक्ल में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट की शक्ल में है, चाहे वो टेक्नोक्रेट की शक्ल में है, या बाजार के बाजारी कारोबारी अजरात की शक्ल, बैंकर्स की शक्ल में है, कारोबारी के अजरात, उन सबके जहन को और कल्चर को तब्दील करना है। कल्चर कैसे तब्दील हो रहा है, आप उस कल्चर को जब तक तब्दील नहीं करेंगे कि जी वहाँ जो कुछ भी हुआ, तो आपने कहा कि जी फलानी खान कर रहा है, करता मैं हूँ, मुजरिम आयतुल्ला दुरानी है, फिर नाम किसी और का रखवा देते हो, ये कल्चर आपने ख़त्म कर रहा है। Right. अगर आपके कस्टम का बंदा, अदारे का कोई भी बंदा अपने मुफादात के लिए बलूचिस्तान में कोई चीज़ उतार चढ़ाव कर रहा है, फंडिंग का उतार चढ़ाव कर रहा है, पैसों का रिश्वत का बाजार गर्म कर रहा है, आने जाने का क्रॉस ट्रांजिट चला रहा है, उसको भी तो आप असिस्ट करें, उसको भी तो चेक करें, उसको भी तो गिरफ्त में लेके आ जाए ना। इंसाफ के तकाजों को पूरा करके बलूचिस्तान को आप चला सकते हो, बाकी पूरा मुल्क को नहीं चला सकते हो, तो फिर क्या फायदा।